हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स। सो आज हम करने वाले हैं ये जो बीपीएससी एई सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ आज, ठीक है, डेट जो 14 अक्टूबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर सिक्स का ये हम आंसर ही करने वाले हैं, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3 20 सिविल का, ठीक है, और इसमें पेपर सिक्स कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को जो पीडीएफ होगा, जिन जो लोग एग्जाम दिए उनके पास तो है, जिन लोगों के पास अगर नहीं है तो उनको ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन भी उसमें एक होगा, लिंक होगा, वहाँ पे जा करके आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन के बारे में या उसके आंसर के बारे में। इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन होगा, अगर किन्हीं को लगे कि हाँ ये इसका करेक्शन कुछ होना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से, ठीक है। ये जो मेरा सेट है ये सेट बी है। क्वेश्चन जो का जो ऑप्शन होगा वो सफल किया हुआ हर किसी में, हर सारे सेट में सफल किया हुआ क्वेश्चन का। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा क्वेश्चन का, ये जो भी ऑप्शन होगा वो मैं बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मैच करेंगे, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर बेस्ड डिस्पोजल। तो इसमें जो हो जाएगा आपका आंसर पायरोलाइसिस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पायरोलाइसिस, ठीक है। कंपोस्टिंग जो हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक मटर को हो जाएगा। इंसिलेशन जो होता है आपका हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला होता है। फिर सैनिटरी लैंडफिल होगा जिसमें लीचिंग वगैरह कम होता है, या फिर जिसमें मीन्स की जो बायोडिग्रेडेबल हो उस टाइप का होता है सैनिटरी लैंडफिल वाला, ठीक है। ये ज़्यादा एरिया लेता है इसके कारण इसको अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा पैरालिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। ट्रिकलिंग फिल्टर इज डिजाइन टू रिमूव, ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर इज डिजाइन टू रिमूव। तो ये जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है ये डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। अब बीओडी ऑफ ए टाउन इज 25,000 kg पर डे एंड बीओडी पर कैपिटा पर डे इज 50 ग्राम दिया हुआ एंड पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकालना। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकालने में कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ करना है ये डिवीजन, जितना बीओडी है टाउन का डिवाइडेड बाई पर कैपिटा कितना मीन्स के जनरेट हो रहा है पर कैपिटा पर डे के अकॉर्डिंग 50 ग्राम है। तो इसे जब हम करेंगे केजी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, या 25,000 kg को आप ग्राम में कर दीजिए या इसे फिर आप केजी में कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो कट के आ जाएगा ये आ जाएगा 20, तो 25 × इतना ये इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है, 5 लाख हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। द एंट्री ऑफ फॉल स्मेलिंग गैसेस इन टू द हाउस कमिंग फ्रॉम द सीवर कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो ये प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग सफिशियंट विंड पाइप इन द प्लम्बिंग सिस्टम एग्जॉस्ट फैन प्रोवाइडिंग वाटर सील फॉर ऑल फिक्सर, प्रोवाइडिंग वाटर सील फॉर ऑल द फिक्सर एंड विंड पाइप इन द प्लम्बिंग सिस्टम। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्रोवाइडिंग वाटर सील्स फॉर ऑल द फिक्सर एंड विंड पाइप इन द प्लम्बिंग सिस्टम, ठीक है। एंट्री ऑफ फॉल स्मेलिंग गैसेस इनटू द हाउस कमिंग फ्रॉम द, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हैं। द ट्रैप यूज फॉर वाटर क्लोजेट, ठीक है, वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड एज। तो इसका जो कुछ होता है इस टाइप से होता है, ठीक है, सेक्शन जो होता है इसका पी पी ट्रैप इसका आंसर होगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ये नहीं है गलत टिक किया हुआ जो भी जिनका भी होगा ये, ठीक है। तो ये होगा आपका पी ट्रैप। तो द ट्रैप यूज फॉर वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड एज, ये पी ट्रैप इसका आंसर हो जाएगा आपका, 5 का हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा ऑप्शन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द यूनिट इन विच बोथ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्लज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो ये हो जाएगा आपका इमोफ टैंक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है डाइजेशन एंड सेडिमेंटेशन, और सेप्टिक टैंक में भी डाइजेशन और सेडिमेंटेशन दोनों होता है, ठीक है, तो इमोफ टैंक में भी दोनों होता है। स्कीमिंग टैंक में क्या होता है, वाइल एंड ग्रीस जो होता है वो हटता है वाइल, ठीक है, ग्रीस। डेट्रिश टैंक में क्या होता है, जो छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है, बड़ा बड़ा जो पार्टिकल होता है वो इसमें होता है, उसका डाइजेशन टैंक जो होता है जिसमें डाइजेशन टैक्स प्लेस होता है सीवेज का वो, ठीक है, इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 7 में आते हैं। तो हाई सी ओ डी टू बी ओ डी रेशियो, ठीक है, हाई सी ओ डी टू बी ओ डी रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पोलूटेंट रिप्रेजेंट, मीन्स की सी ओ डी जो क्या होता है आपका ये बायो और प्लस का नॉन बायो, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और बी ओ डी जो होता है सिर्फ वो बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है। तो मीन्स कि बी ओ डी सी ओ डी बाई रेशियो जितना करेंगे इसमें सी ओ डी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का जो परजेंट उसमें होगा वो ज़्यादा होगा, तो और ये जो होगा बी ओ डी का, बी ओ डी का जो वैल्यू होगा कम होगा, इट मीन्स कि लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पोलूटेंट होगा, ठीक है।
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, सी नहीं है। तो जो मैं रेट इससे कर रहा हूँ वही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पोलूटेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, वाटर इज नोन एज एसिडिक वाटर इफ द पीएच इज, ठीक है, अगर इसमें रेन वाटर रहता है ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो पीएच वाटर है तो मीन्स की लेस देन 7 से जो भी होगा वो हो जाएगा आपका पीएच, और ग्रेटर देन 7 पे क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, या ठीक है ये हो जाएगा आपका एसिड। तो इसमें लेस देन 5.5, लेस देन 6.5, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट, क्योंकि अगर रेन वाटर वगैरह रहता तो हो जाता 5.5 या 5.6 से लेस देन होता है, तो रेन वाटर का एसिडिक तभी होता है जब 5.6 से लेस देन होता है उसका पीएच वैल्यू तब, ठीक है। फिलहाल के लिए इसका आंसर जो अभी डी है। क्वेश्चन नंबर जो 9, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है, बाई अ क्रॉप मीन्स वाटर कंज्यूम्ड बाय, ये हो जाएगा कंजप्टिव जो हो जाता है इवोपरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, और प्लस का एक आपका इंटरसेप्शन भी होता है, तो इस इंटरसेप्शन इसमें ऑप्शन नहीं, तो आप बिल्कुल इवोपरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, अगर इंटरसेप्शन रहता तो इंटरसेप्शन भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इवोपरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, कंजप्टिव यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, जीसी ऑफ एन इरीगेशन मीन्स की ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ एन इरीगेशन कैनाल इज 50,000 हेक्टेयर, आउट ऑफ विच 80% सीसी है, ठीक, कल्चरेबल कमांड एरिया, हमें जो इस पे काम कर रहे हैं वो सिर्फ 80% का है, ठीक है। उसके बाद देखें, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इरीगेशन ऑफ रवि सीजन इज 60%, फॉर द खरीफ सीजन इज 20%, ठीक है। तो ये जो होता है आपका ये रवि, ठीक है, बाई खरीफ होता है क्रॉप रेशियो, ठीक है, तो रवि बाई खरीफ होता है, तो आपका ये देख लीजिए सिक्स, एक तो आपका ये आपका कल्चरल कमांड के लिए इतना 80% ही है, तो 80% कितना हो जाएगा, लगभग आपका 40,000 हो जाएगा, 40,000 का जो 60% है मीन्स कि 24,000 जो हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा रवि का, और 20% जो है इट मीन्स कि आपका जो 8,000 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा खरीफ का, तो 8 3 टाइम्स ये आपका 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्रॉप रेशियो हो गया ये 3, आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं, आउट ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पंप इनटू केनाल, 80 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर कुड बी सप्लाइड टू फील्ड एंड 60 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर वाज स्टोर्ड इन द रूट जोन, वाइल द वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन प्रायर टू इरीगेशन वाज 80 क्यूबिक मीटर, द स्टोरेज इफिशियंसी ऑफ इरीगेशन, ठीक है, स्टोरेज इफिशियंसी पूछ रहा है, मीन्स की जो जो भी पानी आ रहा 80 क्यूबिक मीटर पानी आ रहा, वाटर कुड बी सप्लाइड ऑन द फील्ड, ठीक है, इतना होना था सप्लाई, ठीक है, फील्ड पे, उसमें क्या है कि वाटर जो स्टोर कर रहा, वाटर वाज स्टोर इन द रूट जोन में जो स्टोर हो रहा वो हो रहा 60 हो रहा, ठीक है, 60 हो रहा, एंड रिक्वायर्ड इन द रूट जोन प्रायर टू, एंड वाइल द वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन प्रायर टू इरीगेशन, ठीक है, तो इरीगेशन के जो हम कर रहे थे तो उसके लिए कितना रिक्वायरमेंट था 80 था, द स्टोरेज इफिशियंसी, तो स्टोरेज इफिशियंसी कितना हो जाएगा आपका ये, ठीक है, आपका ऑफिशियंसी कितना हो जाएगा 60 ही हो रहा, ठीक है, तो 3 ये हो जाएगा 4, तो आपका जाएगा ये 75%, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द डेप्थ ऑफ रूट जोन फॉर ए पार्टिकुलर क्रॉप इज 100 सेंटीमीटर, इफ द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 2 ग्राम पर सीसी ऑफ द फील्ड देन, एंड इट्स फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट बींग 20% एंड ये है रेस्पेक्टिवली 10%, ठीक है, देन द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ इरीगेशन वाटर इन सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो जो भी आपका डेप्थ ऑफ रूट जोन पार्टिकुलर क्रॉप का ये कितना है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपको जो ड्राई यूनिट वेट कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से अब निकालेंगे डेप्थ, तो स्टोरेज कैपेसिटी निकालेंगे आप इरीगेशन वाटर में, तो आपका ये क्या हो कितना हो जाएगा, डेप्थ ऑफ रूट जोन मल्टीप्लाई बाय ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा आपका 2 × का, ये आपका हो जाएगा 20 − 10, ठीक है, और ये डिवाइड परसेंटेज में है तो डिवाइड बाई 100, ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा कट करके 100 से 100 चला गया, ये बच जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है, ड्यूटी इज द इज लार्जेस्ट, तो ड्यूटी जो होता है लार्जेस्ट होता है ऑन द फील्ड पे होता है, ठीक है, ये भी ये गलत मारा हुआ, ड्यूटी ऑन द लार्जेस्ट फील्ड पे होता है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 14 में आता है, एंड आर्टेजियन इक्वीफर इज द वन वेयर द वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन द टू इम्परवियस स्ट्राटा, ये सही आंसर है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, अंडर प्रेशर होता है बिटवीन द टू इम्परवियस स्ट्राटा आर्टेजियन एक्वीफर में। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है पेपर 6 का जो भी आया है ये कुछ रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जो मैं ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन जो हुआ प्रीवियस ईयर को जो मैं किया हूँ उसमें ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस है, अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है तो इसका जो सारा डिटेल जो मैं दिया हूँ सोल्यूशन में
कुछ कुछ चीज़ें कवर किया हुआ, जैसे आर्टिजन एक्वीफर, इस सब के बारे में डिटेल में अच्छे से किया हुआ है। तो जो प्रीवियस ईयर वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, और कुछ कुछ जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में वहाँ पे दिया हुआ है, बीओडी वगैरह के बारे में, सीओडी बीओडी सीओडी में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, मैं करवा चुका हूँ। तो ये सब वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के डिटेल सोल्यूशन में जाकर के। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 100 क्यूमेक टू फ्लो एट ए डेप्थ 5 मीटर इन ए रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल चैनल, द विड्थ एज पर लेसी थ्योरी शुड बी। ठीक है, तो जो वेटेड पेरीमीटर होता है लेसी थ्योरी का, वो हो जाता है आपका 4.75 अंडर रूट क्यू हो जाता है। ठीक है, इस जब एलुवियल चैनल वगैरह कुछ रहता तो वेटेड जो रिजिम विड्थ होता है लेसी का इक्वल्स टू वेटेड पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वैसा कुछ मेंशन नहीं किया कि ना एलुवियल चैनल है या कुछ भी ऐसा कि रिजिम विड्थ निकालना है उसका, सिर्फ लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग किया। तो यहाँ से हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा 4.75, और क्यू जो है आपका 100 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 47.5 हो जाएगा। और जो आपका ये टोटल जो हो जाएगा आपका पेरीमीटर, टोटल जो पेरीमीटर यहाँ से हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी प्लस 2 वाई हो जाएगा। यहाँ से अगर रेक्टेंगल चैनल है तो बी प्लस का, ठीक है, ये 2 वाई हो जाएगा वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप जब वैल्यू रखेंगे 47 जब आप रखेंगे, तो ये जो बी वाई का वैल्यू दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ, तो 5 × 2 कर देगा 10, और 10 इसमें से माइनस हो जाएगा पी में से बी, तो बी आपका आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर एलुवियल वगैरह कहीं मेंशन होता तब तो आंसर जो लेसी रिजिम विड्थ होता है इक्वल टू हो जाता है वेटेड पेरीमीटर। इन इन दैट केस द आंसर विल बी 47.5, अदरवाइज कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिखा है विथ एज पर लेसिस थ्योरी शुड बी, तो ये आपका 37.5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, इफ द स्पेसिफिक यील्ड, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकुलर सैंड इज 30% एंड इट्स पोरोसिटी 50%, देन द स्पेसिफिक रिटेंशन। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक यील्ड होता है, ठीक है, एस वाई प्लस का स्पेसिफिक जो रिटेंशन होता है, रिटेंशन हो जाता है, ठीक है, एल्ड प्लस का रिटेंशन इक्वल टू होता है पोरोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो पोरोसिटी आपका दिया, एल्ड दिया हुआ आपका 30% दिया हुआ, एंड प्लस का यहाँ से हो जाएगा आपका रिटेंशन वाला पार्ट हो जाएगा, रिटेंशन पूछ रहा है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 50%, तो ऐसा आपका क्या हो जाएगा रिटेंशन वाला पार्ट हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, अकॉर्डिंग टू लेसीज थ्योरी द सिल्ट सपोर्टिंग इडीज आर जनरेटेड फ्रॉम, तो लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिल्ट होता है वो साइड एज वेल एज बॉटम ऑफ द चैनल, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 17 में आते हैं, गैरेट्स डायग्राम इज बेस्ड ऑन, तो गैरेट डायग्राम जो बेस्ड है वो कैनेडीज थ्योरी पे है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका बी होगा, कैनेडीज थ्योरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए स्ट्रीम इज कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 4 क्यूमेक पर मीटर विड्थ हैविंग ए सिल्ट फैक्टर 2, देन द लेसिस स्कावर डेप्थ, तो लेसी का जो स्कावर डेप्थ होता है डी, हो जाता है आपका 1.35 की स्क्वायर डिवाइड बाई एफ टू दी पावर हो जाता है 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से जब ये लेसी थ्योरी का जितना भी फॉर्मूला है ना, जो मैं प्रीवियस ईयर करवाया हूँ, कोई भी अगर क्वेश्चन आया है तो उसका मैं डिटेल में सारा फॉर्मूला एक जगह बताया हूँ, तो वहाँ पर जाकर के देखता, मैं जितना भी क्वेश्चन आया हर बार वहाँ पर सब मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला करवाया हूँ। तो डी कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.35 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर जब करेंगे 4 × 4 हो जाएगा, तो पर मीटर विड्थ डायरेक्ट वहाँ पे दिया हुआ था 16, और डिवाइड बाय हो जाएगा ये 2 टू दी पावर 1/3, यहाँ से हो जाएगा 8, 8 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो जाएगा 2, और 1.3 × 2 जब 2 करेंगे तो यह आ जाएगा वैल्यू 2.7, इसका सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 2.7 मीटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ट्रैप इफिशियंसी ऑफ रिजर्वायर इज ए फंक्शन ऑफ कैपेसिटी बाई इनफ्लो रेशियो का होता है। ठीक है, ट्रैप इफिशियंसी पूछ रहा है रिजर्वायर का, कैपेसिटी बाई इनफ्लो रेशियो होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस्ड एट द टॉप पे हो जाएगा। ठीक है, और जब एम्प्टी रहेगा तो ये हिल के तरफ शिफ्ट करता है इसका। ठीक है, तो ये एम्प्टी केस में हिल पे हो जाएगा, और ये जब आपका कंप्रेसिव फुल जब रहेगा तो आपका ये टॉप हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन ग्रेविटी डैम प्रोड्यूस एट द टॉप। 22% द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए डैम इज राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये भी पिछले लास्ट 1-19 में पूछ चुका क्वेश्चन, या 3-19 में किसी ने पूछा, वहाँ भी मैं करवा चुका हूँ।
द एलिमेंट्री प्रोफाइल, इसके पहले वाला जो भी क्वेश्चन था ये वाला, इसके बारे में भी पूरा डिटेल में वहाँ पे बताया हूँ कि जब इम्पिटी रिजर्वायर केस में, फुल रिजर्वायर केस में क्या क्या हो, कैसे कैसे शिफ्ट करेगा, इसेंट्रिसिटी क्या होगा, मैं बस सब बताया हूँ, आप वहाँ पर जाकर के देख भी सकते हैं। 1/19 या 3/19 पेपर है, 2/17, 4/17 पेपर है, जो भी है सारे में जिसमें भी आया उसमें मैं डिटेल में बताया हूँ। उसके बाद ये इसका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, रिवर ट्रेनिंग वर्क, ठीक है, इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज मिंड्रिंग टाइप, जब होता है तभी हम लोग ये रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं, ठीक है। जो भी ग्रेवंस होता है, स्पर होता है, उसके बाद बैंक इम्बैंकमेंट होता है, बैंक होता है, सब सारा जो बनाते हैं मिंड्रिंग टाइप का होता है रिवर, तो करते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क बोला जाता है उसे। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन था, मैक्सिमम परमिशिबल इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ द ग्रेविटी हो जाएगा B/6, ठीक है, B/6 से ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 हाइटोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, हाइटोग्राफ हो गया, मास्कर मेथड हो गया, ये भी मैं जितना भी प्रीवियस कर उसमें सारे में मैं डिटेल में पूरा दिया हूँ, कौन सा ग्राफ किसके लिए है, क्या क्या होता है, सारे डिटेल में बताया वहाँ पे मैं। तो हाइटोग्राफी जो ग्राफिकल पे क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। अ मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज ए प्लॉट ऑफ, ये इसका हो जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रिसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम, ठीक है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, तीन से चार बार करीब BPSC में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, हर बार जितना भी एग्जाम होता है सब में ये पूछता है, हाइटोग्राफ और या मास कर्व फॉलो या फ्लो मास कर्व पूछता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रिसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन मैनिंग्स कॉफिशियंट एंड चेजिस कॉफिशियंट इज गिवन बाई, तो इसका जो हो जाएगा C=1/N, R^2 1/6 होता है, इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ए रेक्टेंगुलर चैनल द अल्टरनेट डेप्थ्स आर 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली, द स्पेसिफिक एनर्जी हेड, तो जो स्पेसिफिक एनर्जी हेड होता है, ठीक है, HE=2 जो हो जाएगा आपका, इसमें जब दो केस में दिया रहेगा तो रेक्टेंगल चैनल का डायरेक्ट आप इक्वेशन होता है Y1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का जो आपका Y2 का स्क्वायर, अब प्लस का हो जाएगा आपका Y1, ये हो जाएगा Y2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका ये कितना, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा इसमें से Y1 प्लस का Y2, ठीक है, Y1 प्लस का Y2, यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला यही होता है उसके, यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा आपका 3.06 आ जाता है, करेक्ट, यही आंसर है इसका है, ठीक है, ये रिलेशन होता है इसका स्पेसिफिक एनर्जी हेड के बारे में। उसके बाद आप ये वैल्यू देखें, यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 29, तो रेक्टेंगुलर चैनल हैज़ ए बॉटम विड्थ ऑफ 2 मीटर एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप दिया हुआ चैनल का 0.003 है, व्हाट विल बी द एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन द चैनल बाउंड्री व्हेन द फ्लो टेक्स प्लेस एट यूनिफॉर्म डेप्थ, ठीक है, तो जब बेड पे बेड का जो एवरेज शियर स्ट्रेस होता है वो होता है डायरेक्टली आपका टाउ, जो होता है बेड का होता है रिस्पेक्ट में, वो जाता है आपका γ(R)(S) हो जाता है, ठीक है, जब आपका साइड स्लोप के जब आएगा टाउ एस करके तो वो आता है 75% होता है टाउ बी का हो जाता है, ठीक है, 75% का ये हो जाता है जो बेड के रिस्पेक्ट होता है उसका एवरेज शियर स्ट्रेस 75% होता है साइड का, ठीक है, तो यहाँ से जब टाउ एस आप निकालेंगे तो यह जाएगा 0.75 × γ × R × S, आर जब निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, AYP करके बॉटम बिट दिया हुआ है, तो आर यहाँ से Y/2 आ जाएगा तो सीधे 2 बाई यहाँ से 1 हो जाएगा शायद, ये बॉटम बिट, अच्छा बॉटम बिट दिया हुआ है यहाँ पर, तो इनफॉर्म डेप्थ भी दिया B और Y दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर चैनल है तो यहाँ से AYP करेंगे तो Y/2 ही आ जाएगा, तो यहाँ से इसका डिवाइड सीधे Y/2 कर देंगे, और एस स्लोप दिया हुआ है, गामा भी दिया हुआ है 10, और सिर्फ 0.75, तो ये जो वैल्यू आ रहा है 1.48 के आसपास मारा, तो आंसर इसका जो यही है, ठीक है, 1.66 का आंसर करीब आंसर इसका है, तो ए हो इसका जो हो जाएगा करेक्ट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, तो इन अ ट्रायंगुलर चैनल, ठीक है, हैविंग अ साइड स्लोप ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल द फ्रॉड नंबर इज गिवन बाय, ठीक है, रेक्टेंगुलर चैनल है, ये हो गया रेक्टेंगल चैनल। उसके बाद ये देखिए 1:2 है हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल आपका, ठीक है, यहाँ पे अगर वे मीन्स कि आपका ये वैल्यू जो है एम है, तो ये जो हो जाता है आपका MY और ये भी हो जाता है आपका MY, तब आप जब निकालेंगे ये हो गया आपका वाई हो गया डेप्थ इसका, तो जब एरिया निकालेंगे इसका, ठीक है, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 × Y × का
जो टॉप, ये जो पूरा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2MY हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, MY स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और टॉप बिट, क्योंकि जो फ्रॉड नंबर क्या होता है, जो फ्रॉड नंबर को जनरलाइज फॉर्म में होता है, ये हो जाता है आपका वी अपॉन का अंडर रूट जी इंटू का ए बाई टी हो जाता है, एल हो जाता है वहाँ पे, तो ए बाई एरिया बाई टॉप बिट्स हो जाता है, ठीक है। तो एरिया पर रखेंगे एम, और टॉप बिट्स जब रखेंगे यहाँ पे ए बाई टी का वैल्यू, ठीक है, ए बाई टी जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका MY स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2MY। तो यहाँ से एम चला जाएगा, ठीक है, एम से एम चला जाएगा, वाई से एक वाई चला जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, वाई वाई टू बचेगा। तो यहाँ पे जब आप वाई वाई जो टू रखेंगे ए वाई टी की जगह पे, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा आपका जी वाई टू डी आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन स्पेसिफिक एनर्जी ई, तो क्रिटिकल डेप्थ वाई सी फॉर ए रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय। तो यहाँ से जो ई मिनिमम आता है, क्रिटिकल जो मिनिमम एनर्जी होता है स्पेसिफिक एनर्जी, वो हो जाता है 3/2 YC होता है, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ का 1.5 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा करके पूरे ऑप्शन में दिया सारा, तो वाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2/3 E हो जाएगा, E मिनिमम का हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, अ 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल फॉलोइंग एट इट्स नॉर्मल डेप्थ ऑफ 0.8 मीटर कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 9.5 क्यूमिक, द बेड स्लोप ऑफ द चैनल, ठीक है। बेड स्लोप पूछ रहा है क्या हो जाएगा, तो आपका जो ये भी दिया हुआ नॉर्मल डेप्थ y1 दिया हुआ है, तो y1 का जो वैल्यू है आपका 0.8 मीटर दिया हुआ। अब चेक करना है कि अगर वैल्यू इससे ज़्यादा आपका अगर आ गया है, ठीक है, वाई से अगर ज़्यादा आ रहा तो स्टीप होगा, अगर नहीं कम है तो माइल्ड हो जाएगा, ठीक है। देखना जब क्रिटिकल वैल्यू जो हमें क्या करना पड़े, दो ही ऑप्शन, तो माइल्ड या स्टीप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ या अगर वैल्यू दोनों का बराबर आ गया, एडवर्स तो होगा नहीं, एडवर्स भी नहीं होगा, या तो माइल्ड होगा या तो स्टीप होगा इसमें, तो जो वाई सी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, वी अपॉन, ठीक है, सॉरी वी नहीं, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी और टू दी पावर, ठीक है, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई जी डिवाइडेड बाई जी टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आ जाएगा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 9.5 / 3 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ से हो जाएगा आपका ये वैल्यू 9.81 और टू दी पावर हो जाएगा यहाँ से 1/3, ठीक है। तो ये यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है पॉइंट के कर, या वन के वन से एक एक या एक से कुछ पॉइंट अलग आ रहा है, तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, स्टीप हो जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है। जब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर को कितना वैल्यू आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इस जो y1 नॉर्मल डेप्थ से मतलब कि ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा स्टीप हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, इन ड्राइविंग द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इन टर्म्स ऑफ कंजुगेट डेप्थ एंड इनिशियल फ्रॉड नंबर, ठीक है, कंजुगेट ऑफ इनिशियल फ्रॉड नंबर, तो इसमें जो आपका जो ड्राइविंग इक्वेशन, तो उसमें जो लगता है यूज होता है कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन के बेस पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्स इक्वल करता है यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफिक जो फोर्स होता है उसके बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर डी हो जाएगा, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन आर यूज। 34 में आता है, स्टेशनरी हाइड्रोलिक जंप ऑफर्स इन अ रेक्टेंगुलर चैनल विथ इनिशियल एंड सिक्वेंट डेप्थ, ठीक है, 0.4 दिया इनिशियल एंड सिक्वेंट डेप्थ दे दिया इसका 1.6 मीटर रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रॉड नंबर एंड एनर्जी लॉस, ठीक है। तो इनिशियल फ्रॉड नंबर एंड एनर्जी लॉस दोनों का वैल्यू पूछ रखो, आप कोई एक भी वैल्यू में चाहे, क्योंकि देखिए सब में वैल्यू क्या अलग अलग है, सारे में वैल्यू क्या अलग अलग है, तो आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे, इसको नहीं भी कैलकुलेट करेंगे एनर्जी लॉस तो आपको चलेगा, कोई एक वैल्यू आप निकाल, अगर दोनों में कोई सेम रहता तो हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे आंसर तो ऐसे ही छट जाएगा सिर्फ एक से निकाल लेंगे। तो एनर्जी लॉस से अच्छा है कि हम फ्रॉड नंबर निकाल लें, क्योंकि एनर्जी लॉस जो होता है डेल्टा ई जो होता है वहाँ पे, ये आपका हो जाता है कितना, y2 - का y1 का, ठीक है, होल क्यूब डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका ये 4y1 y2 हो जाता है, यहाँ पे क्यूब निकाले हम थोड़ा टर्म ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि हम ये हो जाएगा आपका y2 अपॉन का बेलेंजर मोमेंट इक्वेशन जो होता है इक्वल्स टू ये हाफ ऑफ, ठीक है, माइनस का 1 + √1 + 8 FR
यहाँ पे 1 हो जाता है एफ आर 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल एफ आर पूछ रहा है, इनिशियल फ्लोर नंबर, तो जो यहाँ पे नीचे रहता है वही यहाँ पे एफ आर 1 भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे वाई टू, वाई वन, वाई वन वाई टू को पता है, दिया हुआ है वाई वन दिया हुआ है 0.4 और वाई टू दिया हुआ है 1.6, ठीक है। जो वैल्यू जो हो जाएगा आपका 1.6 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0.4 इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ से माइनस 1 प्लस का अंडर रूट 1+8 एफ आर 1 का स्क्वायर। यहाँ से आप FR1 का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका √10 आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये नहीं मैच करेंगे चलेगा, अगर यहाँ पर वैल्यू आपको डाल कर देखना है तो यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हैं, आंसर इसी के अप्रोक्स आएगा। तो ये हो जाएगा आपका √10 वाला, बी हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट। 34 में आता है, तो एज पर IRC रिकमेंडेशन मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन इन प्लेन ट्रेन, तो इसका 7% होता है, ठीक है। मिक्स ट्रैफिक रहे या कुछ भी रहे प्लेन ट्रेन में, या आपका स्नो वगैरह रहेगा तो उस केस में थोड़ा चेंज होगा, लेकिन अगर सेवन ऐसा ही है तो ये हो जाएगा 7%, जो 1 in 15 हो जाएगा इसका करेक्ट, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1 in 15। 36 में बढ़ते हैं, द ट्रांजिशन कर्व यूज इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एज पर IRC रिकमेंडेशन, ये आपका स्पायरल होता है यूज, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिशन कर्व में जब हम यूज करते हैं स्पायरल, तो इसमें क्या होता है इसका प्रॉपर्टी देखो, अभी लेक्चर में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था, ट्रांजिशन कर्व में 9 डिग्री कर्व तक, तो एक तो क्या होता है कि जब लेंथ जो होता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर का, ठीक है, या रेडियस ऑफ कर्व जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कर्व हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन जो होता है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है कर्व में, ठीक है, इसलिए स्पायरल यूज करते हैं, बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं 37, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर द IRC रिकमेंडेशन, तो वैल्यू रूलिंग ग्रेडियंट जो आता है इसका टेबल में मैं कितना भी जो भी क्वेश्चन करवाया हूँ उसमें हर जगह टेबल में पुट किया हूँ, तो 1 in इसका 30 हो जाएगा, ठीक है। रूलिंग ग्रेडियंट है इन प्लेन में है, ठीक है, तो 3.3% के अराउंड होता है, तो 1 in 30 हो जाएगा इसका, ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, फॉर द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर द मिक्स ट्रैफिक कंडीशन द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई, तो स्पीड को हम लोग क्या करते हैं 25% से रिड्यूस करके हम लोग करते हैं डिजाइन करते हैं, ठीक है, जो कि 0.75 भी हम लोग 0.75 भी लेते हैं, इट मीन्स कि 25% हम लोग रिड्यूस करते हैं मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के केस में। हैवी फैसिलिटीज आर डिजाइन फॉर, ठीक है, हैवी फैसिलिटीज डिजाइन करते हैं हम लोग 13, ये जो होता है 30 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के लिए हम लोग ऑफ द ईयर का डिजाइन करते हैं, ठीक है। 13th ये हो जाता है 13th हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर, ठीक है, ये आवरली वॉल्यूम होता है, इसके बेसिस हम लोग डिजाइन करते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है एन इनोस्कोप इज यूज्ड, इनोस्केप इनोस्कोप इज यूज्ड टू मेजरिंग, ये हो जाता है आपका स्पॉट स्पीड, ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ता है, तो द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल एज पर एज रिकमेंडेड बाई IRC, ठीक है, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल ये होता है 2.44 मीटर होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 42 में आता है, तो डिजायर लाइन आर प्लॉटेड इन, ठीक है, ओरिजिनल डेस्टिनेशन स्टडीज के लिए ये करते हैं, ठीक है, डिजायर लाइन इसका जो थिकनेस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन नंबर ऑफ ट्रिप रिप्रेजेंट करता है, जितना मीन्स की सपोज कि एक डेस्टिनेशन ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक आप जा रहे हैं, तो जितना डिजायर लाइन मीन्स की जो भी जा रहे हैं, सपोज ये भी डेस्टिनेशन है, एक ओरिजिन है डेस्टिनेशन है, ये भी डेस्टिनेशन, तो जितना जितना ज़्यादा थिकनेस बढ़ता जाएगा मीन्स की नंबर ऑफ ट्रिप, उसमें जितना नंबर ऑफ ट्रिप होगा उतना ज़्यादा थिकनेस का बढ़ता जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है इसका नंबर ऑफ ट्रिप का, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन क्या बताता है, नंबर ऑफ ट्रिप्स, एंड ये स्टडी किसका होता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, एक ओरिजिन और ये डेस्टिनेशन, ये भी डेस्टिनेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, ओरिजिन भी मल्टीपल हो सकता है इसमें, अगर आप दूसरा ओरिजिन से करें इसको भी, ठीक है, डेस्टिनेशन को जो भी मल्टीपल ओरिजिन भी हो सकता है। नेक्स्ट बढ़े तो 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डिजाइन कैपेसिटी, ठीक है, इसका भी डिटेल होता है, जब वो 2019 या 2019 का पेपर था उसमें ऑलरेडी पूछा था ये क्वेश्चन, इसके बारे में मैं डिटेल में बताया हूँ कि बेसिक कैपेसिटी क्या होता है, पॉसिबल कैपेसिटी क्या होता है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होता है, और डिजाइन कैपेसिटी किस किसे बोला जाता है, बेसिक कैपेसिटी में क्या होता है, ये तो हो गया आइडियल कंडीशन है कैसे PSU वैल्यू लेके करते हैं, ये हो गया आपका प्रिवेलिंग कंडीशन में होता हो जाता है, जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी होता है डिजाइनर का जो चॉइस होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी के बेसिस पे, इससे होता है डिजाइन कैपेसिटी, ठीक है, आपका जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो जाएगा डिजाइन कैपेसिटी, डी हो जाएगा इसका करेक्ट। लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन इज यूज टू कंडक्ट, तो लॉस एंजल्स तो करते हैं एब्रेशन टेस्ट के लिए करते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं करवाऊँ। पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में डिटेल में बताऊँ कि कितने टेम्परेचर पे किया जाता है, इसका जो ग्रेडिंग किस कैसे किससे कैसे मेजर करते हैं, जो भी वैल्यू आता है इसका तो 1/10 करके करते हैं, मीन्स कि जो भी अगर 30 का इसका पेनिट्रेशन आया है, 30 रीडिंग आया है, तो इसका जो पेनिट्रेशन वैल्यू हो जाएगा 1/10 मीन्स कि 3 mm हो जाएगा उसका, ठीक है, पेनिट्रेशन वैल्यू, जो कि बताता है कि अगर ये आया तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन ग्रेड 30/40 का है, जो जो भी आता है डेप्थ उसके अकॉर्डिंग करता है, तो ये ग्रेड ऑफ बिटवीन बताता है, ठीक है, ये ग्रेड ऑफ बिटवीन बताता है पेनिट्रेशन टेस्ट जो पहले का। अब ये टर्म जो बिटवीन का ये बेसिस पे हो जाता है VG10 VG20, ठीक है, VG10। अब जो होता है डिजाइन, क्योंकि ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होता था टेम्परेचर, तो इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 30+ में चला जाता है, 40 40 चला जाता है, ठीक है, 40 35 से 40 40 के आसपास में है, ठीक है, मीन्स के 30 और 40 के बीच में ही एवरेज टेम्परेचर है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा था, जिसके कारण हम लोग ये विस्कोसिटी ग्रेड पाया गया, तो जिससे हम डिनोट करते हैं VG10 20 VG30 एंड VG40। अभी ये 4 ग्रेड में यूज होता है, जो मोस्ट ऑफ द जो इंडिया में यूज होता है ये होता है VG30 एंड हाई इंटरसेक्शन ग्रेड वगैरह के लिए जो होता है, हैवी लेन वगैरह के लिए होता है VG40 होता है, ठीक है, VG40 आप क्या हो गया क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह के लिए, VG10 हो गया जो आपका कोल्ड क्लाइमेटिक या इमल्शन जैसे बोलते हैं जिसको स्प्रे वगैरह करने के लिए काम में आ गया, ठीक है, टाइप कोटिंग वगैरह के लिए उसमें VG10 का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी वीडियो में, आप वहाँ जा करके 1919 के पेपर में जाकर आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो भी पेपर बीपीएस के प्रीवियस में करवाया हूँ अच्छे से करवाया हूँ, बिल्कुल उसमें डिटेल में करवाया हूँ, और अगर किसी मेरे से मिस्टेक भी हुआ तो कमेंट सेक्शन पिन किया हुआ, वहाँ पर आप जाकर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर किसी का आंसर गलत भी होगा तो पिन किया हुआ हो कमेंट में, वहाँ थोड़ा सा देख लेगा, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से बताया हूँ पहले भी। तो ये हो गया ग्रेड आपका बताता है, ठीक है, तो अब ये पेनिट्रेशन वैल्यू टेस्ट का ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि विस्कोसिटी ग्रेड आता है उसमें, डायनेमिक विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बेसिस पे वो टेस्टिंग होता है, ठीक है, तो हम लोग विस्कोसिटी ग्रेड यूज करते हैं, जहाँ भी आप जाएंगे तो ये VG10 VG20 VG30 और इसी के बेसिस पे वो मिलेगा आपको सुनने को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फॉर द कैरिंग आउट बिटुमिनस पैच वर्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मोस्ट सुटेबल वाइंडर इज, तीसरा हो जाता है आपका बिटुमिनस इमल्शन, ठीक है, बिटुमिनस इमल्शन क्या है कि ये आपका वाटर और प्लस का, ठीक है, बिटमीन को, ठीक है, विग्रेशली मिक्स करके, ठीक है, कोलाइडल मिल होता है उसमें आपको विग्रेशली मिक्स करके आपका चार्ज पार्टिकल करके डिस्टेबलाइज करके चार्ज पार्टिकल को बनाया जाता है, ठीक है, इसे आप हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि ये थोड़ा सा टाइम लगता है, 24 से 48 घंटा में ये पूरा 24 आवर के अप्रॉक्स में ये पूरा पूरा अपना सेटअप कर लेता है, ठीक है, इसका सेटिंग हो जाता है, और कभी कभी भी इसको यूज कर सकते हैं, रेनिंग सीजन हो चाहे किसी कोई भी सीजन हो, हम ऑल ऑल वेदर ये होता है, ठीक है, ऑल वेदर में कभी भी जितना भी जो RWD का जो काम होता है, ठीक है, या पैचिंग का काम हो गया, सारा भी इमल्शन पे ही शिफ्ट हो गया, ठीक है, जितना भी पैचिंग का काम होगा सब सारा सारा इमल्शन होता है, इसे हीटिंग का जो कैलोरीफिक होता है वो, उसके बाद फिर सल्फर वगैरह जो भी हो गया निकलता है, पोलूटेंट वगैरह निकलता है वो भी बचता है, ठीक है, ये हो गया आपका बिटुमिनस इमल्शन, इसमें यूज होता है, बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 47 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वाटर बॉर्न डिजीज, आपका हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि ये होता मच्छर से होता है, ठीक है, तो वाटर बॉर्न डिजीज डायसेंट्री एक ये है उसका, टाइफाइड कॉलरा जो होगा वाटर बॉर्न डिजीज होगा। 48 में आता है द मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, ये आपका 1.5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, 1.5 हो जाएगा ppm में ये। उसके बाद देखें आपका फिर ये टर्बिडिटी इज मेजर्ड, ठीक है, टर्बिडिटी मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे मेजर किया जाता है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट देते हैं 50 क्वेश्चन, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ BOD रिमूवल इज अचीव्ड इन, ठीक, तो मैक्सिमम इफिशियंसी BOD रिमूवल होता है ये ऑक्सीडेशन डिच में होता है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑक्सीडेशन डिच, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो उनका भी एग्जाम हुआ है या जो नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं उनके प्रिपरेशन के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, और मेरे प्रीवियस जो वीडियो है वो भी जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हूँ वो अच्छा से दिया हुआ है, और मैं पहले बोल चुका हूँ अगर कहीं गलत भी होगा तो कमेंट सेक्शन में उसका जो आंसर होगा पिन किया होगा बाई मिस्टेक, कहीं इरर हो गया होगा कहीं कुछ, तो ठीक है, तो इसका आंसर मिला लीजिए, और कमेंट आप मैं इसका जो होगा एक टेलीग्राम पर एक वोटिंग बना दूंगा, ठीक है, वहाँ पर जाकर के अपना वोटिंग कर सकते हैं कि किनका कितने कितना नंबर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ जो हम
निकालने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, और हम बताएंगे कटअप के बारे में, बताएंगे कितना कटअप इस बार का जो रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी कम है, आप 31 सीट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मे बी कटअप जो होगा आपका 300 से 310 के बीच में रहेगा, ठीक है, इसी क्राउंड में रहने वाला होगा, क्योंकि पेपर 6 तो आपका काफ़ी ईजी था। जनरल इंजीनियरिंग जो पेपर था वो आपका थोड़ा सा टफ था, क्योंकि न्यूमेरिकल ऑलरेडी इतना ज़्यादा दे दिया गया था इलेक्ट्रिकल से, और जीएस भी काफ़ी थोड़ा सा मॉडरेट में था, जीएस भी ईजी भी नहीं कर सकते, मॉडरेट में था वो, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है, किनका कितना नंबर आ रहा है हर पेपर में। तो ये रहा आपका लास्ट, सो थैंक यू सो मच।